बच्चों में आज कक्षा 6 की कविता जय राष्ट्रीय निशान, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी, आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान, लहर लहर तू मल्ले पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, छहर छहर जग के आंगन में, सबसे उच्च महान, सबसे उच्च महान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों हमारा राष्ट्रीय निशान क्या है? तिरंगा। अब इसके शब्द अर्थ है, मल्ले का अर्थ है सुगंधित, गगन का अर्थ है आसमान। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत कविता जय राष्ट्रीय निशान, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, कह रहे हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा हमेशा लहराता रहे, पर्वतों पर जहाँ चंदन के पेड़ हैं, वहाँ की हवाओं में चंदन की सुगंध आती रहती है, सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। हमारा राष्ट्रीय झंडा आसमान में और हरेक शहर के आंगन में सबसे ऊंचा लहराता है, बहुत महान है हमारा राष्ट्रीय झंडा, तेरी जय हो। बच्चों अब दूसरे पद की व्याख्या बता रही हूँ आपको। जब तक एक रक्त, बच्चों अब ये दूसरा पद ध्यान से सुना, जब तक एक रक्त कण तन में, डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रण में, जननी की संतान, जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों अब इसके शब्द अर्थ हैं, डिगना का अर्थ है गिरना, प्रण का अर्थ है संकल्प और प्रतिज्ञा, हाहाकार का है हाय हाय की पुकार, रन का है युद्ध। बच्चों अब इसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कवि जी कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद भी बची है, तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कभी गिरेंगे नहीं और झुकने नहीं देंगे तिरंगे को, हम अपने दुश्मनों को युद्ध भूमि में हराएंगे और दुश्मन हाय हाय की पुकार करता हुआ, अपनी जान बचाता हुआ भाग जाएगा, क्योंकि हम मातृभूमि के बच्चे हैं और अपने राष्ट्रीय झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों अब ये तीसरा पद है, ध्यान से सुनना। मन में दीन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, माना माना में हो समता, धनी गरीब समान, गूंजे नम में तान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों अब इसके शब्दार्थ है, क्षमता का अर्थ है योग्यता, समता का अर्थ है समानता। अब बच्चों मैं इसकी व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। कवि जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा गरीब और दुखी लोगों की सहायता करनी है, और हमारे ऊपर कैसा भी वक्त आए, हमें कभी भी तिरंगे की रक्षा करने से पीछे नहीं हटना, अपने तिरंगे की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। हम मानव मानव में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि सभी मानव समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हम सबको समान समझेंगे तो पूरा आसमान भी गूंज उठेगा, जय राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों में अब आपको आखिरी पद सुनाने जा रही हूँ। तेरा मेरु दंड होकर मैं स्वतंत्रता के महासमर में, वफा शक्ति बन न्याय उर्मे, दे दे जीवन प्राण, दे दे जीवन प्राण, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों इसके शब्दार्थ है, मेरु दंड मतलब रीढ़ की हड्डी, महासमर का अर्थ है बहुत बड़ी लड़ाई, उड़ का अर्थ है हृदय, वफा का अर्थ है वादा पूरा करना, व्यापना का अर्थ है फैलाना। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। कवि जी कह रहे हैं हम युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी ही कोशिशों से देश खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा, और अपने देश को स्वतंत्र कराने का वादा पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मेरे हृदय में शक्ति का जो सागर है
उसे पूरे संसार में फैलाना चाहता हूँ। इससे मुझे अपने जीवन को देश के लिए जीने की प्रेरणा मिलेगी। जय राष्ट्रीय ध्वज। बोलो बच्चों, ये आपकी आज कविता खत्म हो गई है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी।